केजरीवाल सरकार की हर धड़कन में झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों की फिक्र शामिल है, उनका हित शामिल है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना भी अनिवार्य हो गया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना भी आज अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटिस दिखाना चाहूंगा जो भाजपा ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने लोगों के घरों पर, झुग्गी झोपड़ियों के घरों पर लगाने शुरू कर दिए हैं। और इन नोटिसेज में भाजपा वाले कहते हैं कि एक नोटिस जो तुगलकाबाद विधानसभा के कई झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के सामने चिपकाया गया कि 11 सितंबर 2020 को आपका घर उजाड़ दिया जाएगा, आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। उसी प्रकार से दिल्ली के एक दूसरे कोने में जो झुग्गी बस्तियां थी उनको कहा है कि 14 सितंबर 2020 को आपका घर तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा। और दिल्ली के हर इलाके में, कोने कोने में बसे झुग्गी झोपड़ी वालियों के घर के दरवाजे पे भाजपा वाले ये नोटिस चिपका रहे हैं, अपनी केंद्र सरकार के नोटिस चिपका रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं हम आपका घर 11 तारीख को तोड़ देंगे, कहीं आपका घर हम 14 तारीख को उजाड़ देंगे, कहीं 17 तारीख को आपको बेघर कर दिया जाएगा। इस टाइप के नोटिसेस लगातार केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले हमारे परिवारों के घरों के सामने चिपका रही है। यह नोटिस मानवता के खिलाफ है, यह नोटिस संविधान के खिलाफ है, यह नोटिस संवैधानिक अधिकार, एक सम्मानजनक जीवन जीने के, जो इस देश के हर नागरिक के पास है, उसके खिलाफ है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लो, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं तब तक एक भी झुग्गी में रहने वाले परिवार को बेघर नहीं होने देंगे, उसका आशियाना नहीं उजड़ने देंगे। मैं आज आप सबके सामने ये नोटिस जो जारी करे गए हैं भाजपा द्वारा, इनको फाड़ता हूं और ये कहता हूं कि ये नोटिस गैर कानूनी है, और जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिंदा हैं तब तक किसी का घर उजड़ने नहीं देंगे। किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका मुख्यमंत्री, उनके परिवार का बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है और आपका घर उजड़ने नहीं देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथ ही साथ बीजेपी को चेतावनी देता हूं कि हमारे परिवार की ओर आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसूत के जो 52,000 जो फ्लैट्स हैं, वो दिल्ली सरकार क्यों नहीं झुग्गी झोपड़ी वालों को मुहैया करा रही है? किसी भी रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम में आप ये सारी प्लानिंग पहले करते हैं। आप ऐसे नहीं करते हैं कि नोटिस चिपकाया, लोगों को घर से उजाड़ के बेघर कर दिया। एक योजना के तहत रिहैबिलिटेशन होती है। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं, किसी का घर नहीं उजड़ने देंगे, किसी को बेघर नहीं होने देंगे, सबको घर मिलना चाहिए, सबके घर पे आशियाना रहना चाहिए, सबका परिवार बसना चाहिए। किसी भी परिवार को आप ऐसे ही उजाड़ देंगे बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के नोटिस चिपकाया और झुग्गी तोड़ दी, ये ना बर्दाश्त है और ना अरविंद केजरीवाल जी इसे होने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ड्यूसुप के मुखिया हैं, जिनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके निकम्मेपन की वजह से आज झुग्गी वाले दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं और उनके अंदर भय और डर व्याप्त है।
दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत जो 52,000 फ्लैट बनकर तैयार है नरेला में, नरेला बवाना भोगा बपरौला घेवरा द्वारका जो बनकर तैयार है, उन फ्लैटों को तुरंत रेलवे के किनारे जो हमारे झुग्गी वासी भाई बहन जो उजड़ने जा रहे हैं उनको तुरंत अविलंब वहां पर व्यवस्थित रूप से आवास दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मोदी सरकार पूरी तरह से जहां झुग्गी वहीं मकान के अपने संकल्प के लिए कटिबद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, हम दिल्ली सरकार की जो ड्यूसिप का डिपार्टमेंट है जिसके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी समय रहते उनको आवास की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। आपके पास 52,000 फ्लैट जो बने पड़े हैं जिनके लिए आप मेंटेनेंस के खर्चे वहन कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, जिम्मेदारी में आप नाकाम रहे हैं। इसलिए अगर ये व्यवस्था पहले कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। जहां जो कि वही मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से भी कह चुके हैं, लगातार उनकी योजनाओं का अनुपालन यूडी मिनिस्ट्री कर रहा है और 2022 तक पूरे देश को आवास दिलाने का जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, और उस संकल्प के लिए दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रोका है। तो ये दो बातें मैं आज जनता के सामने कहना चाहता हूं, उनकी ये जो नाकामियां हैं इनको उजागर करने के लिए आज मैं बात कर रहा हूं। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.